बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारा आज का टॉपिक है जी डायनेमिक मैनली। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन। सी लैंग्वेज में ये और थोड़ा होता था, लेकिन सी प्लस प्लस में जो है दो कीवर्ड्स हैं, न्यू एंड डिलीट। तो इशू क्या है? इशू ये है कि हम जब पहले कोई डाटा टाइप डिक्लेयर करते थे या कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, तो उसके लिए हमें एक फिक्स साइज ऑफ मेमोरी मिल जाता है। से वेल डिफाइंड है कि इंटीजर का क्या साइज है, वेल डिफाइंड है कि फ्लोट का क्या साइज है। और जब हम अरे बनाते थे तो अरे के साथ भी हम मैंशन करते थे कि हमें इस साइज की मेमोरी चाहिए। और वंस हमने अरे क्रिएट कर ली, तो जब तक प्रोग्राम है मेमोरी में एग्जिस्ट करता है तो वो मेमोरी भी ऑक्यूपाइड रहेगी। जबकि डायनामिकली हम मेमोरी गेट भी कर सकते हैं एप्लीकेशन के एग्जीक्यूशन के दौरान, और डायनामिकली उसे डिलीट भी कर सकते हैं, मतलब फ्री भी कर सकते हैं मेमोरी। तो ये जो प्रोविजन है या ये फंक्शनैलिटी है, ये आपको दो न्यू कीवर्ड्स हैं, एक न्यू कीवर्ड है और एक डिलीट का कीवर्ड है, जिसके थ्रू आप ये फंक्शनैलिटी गेट कर सकते हैं सी प्लस प्लस में। ठीक है, तो फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है कि आपको से इंट स्टैटिक डाटा आपको पॉइंटर क्रिएट करना है पहले, और फिर डाटा इक्वल टू न्यू एंड देन इंट से 5। तो यूं आप डायनामिकली मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं, और इसी तरह इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं कोई एक थोड़ी सी एग्जांपल कर लेते हैं जिसके थ्रू हम डाटा इसमें सेव कर सकें। अच्छा, एप्लीकेशन डिस्कस करने से भी पहले, हम प्रोग्राम बनाने से पहले एक दो बातें और, कि कंप्यूटर मेमोरी जो है ये बहुत क्रिटिकल रिसोर्स है, और ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इनफैक्ट मेमोरी एलोकेट करता है किसी एप्लीकेशन को। और हम जो लिख रहे हैं, हम किसी एप्लीकेशन का कोड लिख रहे हैं। जब ये कंपाइल हो जाएगा, एग्जी बन जाएगी, तो यकीनन एप्लीकेशन बन जाएगी और वो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगी। जब वो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगी तो मेमोरी एलोकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम ने करनी है। और ये इस बात जरूरी नहीं है, ये इस बात की श्योरिटी नहीं है कि मेमोरी हमेशा एलोकेट हो। से हम जस्ट 5 इंटीजर मांग रहे हैं, और करंट सिनेरियो में जहां पर 16 GB, 8 GB या 4 GB रैम होती है, तो शायद ये इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिसमें आपको MBs में या GBs में डाटा चाहिए होता है, तो वहां पर जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा मेमोरी एलोकेट भी हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास कुछ और कीवर्ड्स हैं जिसको हम एक्सेप्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन एक कीवर्ड है जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि मेमोरी एलोकेट हुई है या नहीं। तो मैं यहीं पे या इसी पे कर देते हैं हम न्यू के बाद यहां पे नो थ्रो। अब हम चेक कर सकते हैं कि हमें मेमोरी एलोकेट हुई है या नहीं। से अगर हम यहां पे इफ डाटा इक्वल इक्वल 0, तो यूं हम कुछ मैसेज हैंडलिंग कर सकते हैं।
खैर इसको फिलहाल जीरो रहने देते हैं, नल पॉइंटर हम देख लेते हैं। ये सी लैंग के अंदर बहरहाल बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि एडवांस सी प्लस प्लस है, सी प्लस प्लस 11, तो या नॉर्मली आपको सजेस्ट करता है कि फॉर लूप भी आप ऑटो वाला लगाएं और ये कुछ तरह की चीज़ें, फिर हम स्टैंडर्ड रखते हैं इसको इक्वल इक्वल जीरो। तो अगर आपको मेमोरी एलोकेट नहीं होगी तो ये यकीनन ज़ीरो होगा, डाटा जो है इसका ये ज़ीरो होगा और आप मैसेज हैंडलिंग कर सकते हैं या एप्लीकेशन को एग्जिट कर सकते हैं, दोबारा रन कर सकते हैं। एडवांस प्रोग्रामिंग के अंदर इसका जो सोल्यूशन है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग है, जो कि काफ़ी एडवांस फीचर है और आप चेक कर सकते हैं कि ये मेमोरी एलोकेट हुई है या नहीं हुई है। आप तो एक्सेप्शन हैंडलिंग ये काम हम इसलिए करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन एटलीस्ट एरर रिपोर्ट करे और विदाउट एरर रिपोर्टिंग क्विट ना करें। अगर यूं नहीं होगा, हमने मेमोरी एलोकेट की और नहीं हुई और हमने उसको प्रोसेस करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, एप्लीकेशन क्विट कर जाएगी, एग्जिट कर जाएगी विदाउट डिस्प्लेइंग एरर। तो ये बेस्ट भी होता है, इससे भी एडवांस जो स्टाइल है उसको हम कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग में एप्लीकेशन को आप अलाइव रख सकते हैं हमेशा, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं कि एरर आ गया और वो क्विट कर गई। नॉर्मली हम देखते हैं प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, डबल क्लिक किया और वो विदाउट एरर वो क्विट कर जाता है, ठीक है। तो हम इस तरह की सिनेरियोस को अवॉइड कर सकते हैं। और इसी तरह हम लोग इसको डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट, और क्योंकि हमारे पास ये सॉरी अरे है तो यूं हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। हम इसको कुछ प्रोसेस करें, एल्स, और यहाँ पे हम कुछ प्रोसेस करें क्योंकि अगर डाटा एलोकेट हो जाएगा तो एल्स एग्जीक्यूट होगा और एंड पे हम इसको डिलीट कर दें, या एंड पे नहीं, हम आगे फर्दर भी हमारी कुछ यहाँ पर एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का रिमेनिंग पार्ट है वो हम इसके बाद भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन एडवांटेज ये है कि आप रन टाइम पे, आपको एक मेमोरी रिक्वायर्ड है, आपने एलोकेट की, उस पर कुछ प्रोसेसिंग की, अब आपको नहीं ज़रूरत किसी और पोर्शन ऑफ एप्लीकेशन में, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। आपने एक डाटा की कॉपी क्रिएट की, कॉपी क्रिएट करने के बाद आपने कुछ प्रोसेस किया और प्राइमरी कॉपी आप डिलीट करना चाहते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं। तो यूँ आप मेमोरी को ज़्यादा एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक करंट सिनेरियो में जो एप्लीकेशंस हैं, से हमारे पास ऑडियो है, अब ऑडियो में डाटा नॉर्मली एमबीज में होता है, जबकि अगर यही चीज़ वीडियो हो या इमेजेस हो तो डाटा जीबीज में भी जा सकता है। तो इतने ह्यूज डाटा के साथ जब आप प्रोसेसिंग करते हैं तो आपको बहरहाल मेमोरी को बहुत एफिशिएंटली यूज़ करना होता है। अच्छा जी, हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर से एंटर साइज और सीएन और हम इसी साइज की एन साइज की यहां पर अरे डायनेमिकली एलोकेट करवा लेते हैं और देन हम यहां पर एल्स में फॉर int i इक्वल टू जीरो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस और सी आउट एंटर नंबर हम अरे में डाटा गेट कर सकते हैं, ठीक है। और इस फॉर लूप के बाद हम दोबारा इसको प्रिंट भी कर सकते हैं,
और उसके बाद हम एंड पे इसको डिलीट करते हैं। और ये एल्स में भी हो सकता है और इससे बाहर भी हो सकता है। तो यूं हमने डायनामिकली डाटा एंटर करवा लिया और बाद में डिलीट भी कर दिया अरे से, ठीक है। इसके बाद भी हम एप्लीकेशन को कुछ पोर्शन रख सकते हैं जिसमें ये अरे डिलीट हो गई और कुछ और डाटा की प्रोसेसिंग जा रही है। और जो सी लैंग्वेज है उसमें जो कीवर्ड्स थे वो उसमें आपको एक तो CSTD lib इंक्लूड करवानी पड़ती थी, ये लाइब्रेरी, और उसमें खैर ये अभी भी हम इंक्लूड करके तो वो कीवर्ड यूज कर सकते हैं। मैलॉक का मेथड है मेमोरी एलोकेशन के लिए, और कैलॉक एंड देन री एलॉक एंड देन फ्री। तो ये सी लैंग्वेज में, नॉट सी प्लस प्लस, सी लैंग्वेज में। सी प्लस प्लस में आप CSTD lib यूज करके तो आप ये वाले ओल्ड स्टाइल में मेमोरी एलोकेशन, डी एलोकेशन, डी एलोकेशन वगैरह कर सकते हैं। अच्छा जी, हम चलते हैं अपना मेन जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, स्ट्रक्चर्स। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था कि स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, और जो कि आज हम रिपीट भी करेंगे, और स्ट्रक्चर में डाटा फिल कैसे करते हैं और प्रिंट कैसे करते हैं बराबर। अभी आज हमारा प्रोग्राम ये है कि हम इनफैक्ट स्ट्रक्चर्स अगर पास कर रहे हो किसी फंक्शन को तो हम कैसे पास करते हैं, या रिटर्न करवाना हो तो कैसे करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, जैसे हम नॉर्मली वेरिएबल्स को करते हैं वैसे ही है, लेकिन जस्ट वो रेफरेंस थ्रू रेफरेंस करते हैं तो उसी चीज को हम रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम दो मेथड ऊपर डिक्लेयर कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपना स्ट्रक्चर डिफाइन कर लें। स्ट्रक्ट स्टूडेंट और स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग रेज नंबर एंड देन क्वेरी फॉर, ठीक हो गया जी। हमने इवन मेन से भी टॉप पे किया इसको और इसको ग्लोबल बना दिया। इसका एडवांटेज ये है कि हम अपने मेथड्स के अंदर भी इसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जिस वेरिएबल को बिल्कुल मेन से भी बाहर ले जाएंगे वो ग्लोबल वेरिएबल होगा, आप उस वेरिएबल को मेन में और फंक्शंस के अंदर यूज कर सकते हैं क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल है। अदरवाइज उस वेरिएबल का स्कोप नैरो डाउन हो जाएगा। से अगर मैं कोई वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ मेन के अंदर, तो उसका स्कोप जस्ट मेन के अंदर ही होगा, वो किसी फंक्शन को पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने टॉप पे कर दिया, तो इस तरह वेरिएबल्स को पास करना थोड़ा सा मीनिंगलेस हो जाता है, लेकिन हम बाहर अपने कोड को थोड़ा सा मॉड्यूलर बना सकते हैं स्टाइल से। से हम एक मेथड बना लेते हैं वाइड, प्रिंट स्टूडेंट्स, और हम इसको एक कांस्टेंट रेफरेंस पास कर लेते हैं स्टूडेंट, एंड से एसटीयू, एंड सिमिलरली हम एक मेथड बना लेते हैं जिसमें इनफैक्ट हम प्रिंट नहीं करवा रहे,
जस्ट रिटर्न करवाएंगे स्टूडेंट टाइप का, स्टूडेंट, और गेट डाटा के नाम से हम इसको पास कुछ नहीं कर रहे, जस्ट इसको यूज करेंगे इस मेथड को कि ये एक स्टूडेंट का डाटा रीड करके हमें रिटर्न कर दे। जो रिटर्न करेगा वो इनफैक्ट स्टूडेंट टाइप का स्ट्रक्चर होगा, और यहां पे हम स्टूडेंट टाइप का स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं एसटीयू के नाम से और उसको प्रिंट करेंगे। मेन पे बाद में आते हैं, पहले हम मेथड लिख लेते हैं। वैसे हम फॉर लूप के अंदर ही डिक्लेयर कर देंगे। सॉरी, ये हमें ना, क्योंकि हमने प्रिंट करना है, गेट नहीं करना फिलहाल, प्रिंट स्टूडेंट का है, तो हम सी आउट एसटीयू डॉट नेम और बैक स्लैश टी टैप कर देते हैं, एसटीयू डॉट रेज नंबर, और यहां पर हम फॉर लूप लगा के हमने खैर नंबर नहीं पास किया, लेकिन लेस देन फोर कर देते हैं यहाँ पे, आई प्लस प्लस। आप इस चीज को ज्यादा बेहतर कर सकते हैं बाद में कि साइज के थ्रू, मतलब ज्यादा जेनेरिक कर सकते हैं। तो यूं ये जस्ट एक लाइन के अंदर स्टूडेंट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और जो क्विजेस के मार्क्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। हम फॉर लूप के बाहर जो है न्यू लाइन कर देते हैं, अब हम दूसरा मेथड फंक्शन लिख लेते हैं गेट डाटा का, और देखें हम इसमें स्टूडेंट टाइप का स्ट्रक्चर रिटर्न कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम पास कुछ भी नहीं कर रहे, तो हमें यहीं पे ही एक स्टूडेंट और फिर बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पहले स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया और फिर स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, हम एज मैनी जिस तरह जितने हमें चाहिए हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और ये स्टूडेंट जो है ये कोई बिल्ट इन कीवर्ड नहीं है, ये बात याद रखें, ये स्टूडेंट ये हमने खुद ही यहाँ पर स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है, स्ट्रक कीवर्ड है ये। हम अपनी मर्जी से, मैंने बताया था कि आप एम्प्लॉय रख लें या आप कुछ भी यहाँ पर वेरिएबल नेम डाटा रख लें, कुछ भी रख लें, लेकिन कोशिश करें कि इसको कैप्स में लिखें ताकि ये फर्क हो सके कि ये क्लास नेम है, ठीक है, नॉट क्लास नेम, स्ट्रक्चर नेम है, ठीक है, क्योंकि क्लास के लिए भी मोर और लेस यही स्टाइल यूज होता है। आगे चल के आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में देखेंगे कि क्लास में और स्ट्रक्चर में ये डिफरेंस है कि क्लास के अंदर यहाँ पर आप कुछ फंक्शंस भी लिख सकते हैं, और वो फंक्शन सारे के सारे आपके इस इसके जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे उसमें वो फंक्शंस की भी कॉपीज अवेलेबल होंगी, या यूँ कह रहे कि वो कॉल किए जा सकते हैं हर ऑब्जेक्ट के साथ।
तो हम यहाँ पर एक हमने टेम्प स्टूडेंट डिक्लेयर कर दिया, अब हम इसमें डाटा गेट कर लेते हैं। Name and similarly arrange number. और डेफिनेटली क्योंकि हमारे पास जो क्विज है वो अरे है, तो उसके लिए फॉर लूप लगाना पड़ेगा। क्विज सी एन क्विज ये बात लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस हुई थी कि स्ट्रिंग और इंटीजर डाटा के बारे में, कि जब भी आप स्ट्रिंग इन करते हैं तो स्ट्रिंग के साथ एक न्यू लाइन करेक्टर जाता है बफर में। लेकिन ये चीज स्ट्रिंग के लिए ठीक है कि आप नेक्स्ट स्ट्रिंग लेते हैं तो वो अलग अलग दो स्ट्रिंग रीड हो जाएंगी, लेकिन जब आप एक इंटीजर गेट करने के बाद दोबारा स्ट्रिंग इनपुट पे लेते हैं तो, क्योंकि वो न्यू लाइन करेक्टर कभी भी इंटीजर का हिस्सा नहीं बनता, इंटीजर में जस्ट इंटीजर पार्ट पिक हो जाता है। अगर आपने स्पेस प्रेस किया तो फिर तो ठीक है, इशू नहीं होगा, लेकिन अगर आपने एंटर प्रेस किया है तो न्यू लाइन करेक्टर जाएगा, और न्यू लाइन करेक्टर जब उसके बाद वाली जो स्ट्रिंग गेट कर रहे होंगे तो वो बाईपास हो जाएगी, और कंप्यूटर ये समझेगा कि ये इसके लिए स्ट्रिंग एंटर करने की बजाय जस्ट एंटर प्रेस कर दिया गया, क्योंकि वो न्यू लाइन करेक्टर जो कि इंटीजर के साथ गया था वो प्रोसेस नहीं होगा और वो स्ट्रिंग की जगह यूज हो जाएगा। ठीक है, और स्ट्रिंग के लिए उसने प्रॉम्प्ट जो यहां पर करना है दोबारा नेम के लिए वो नहीं करेगा यहां पर, तो बेहतर है कि इसको फ्लश करें सी इन डॉट इग्नोर, और इसमें आप नंबर ऑफ करेक्टर्स आप ज्यादा भी दे सकते हैं कम भी दे सकते हैं, लेकिन अच्छी बात है थोड़ा सा एक बड़ा बफर साइज दे दें और बैक स्लैश है डेलिमिटर इसको कहते हैं डी डी एल आई एम सॉरी डी एल आई एम स्टैंड फॉर डेलिमिटर, नंबर ऑफ करेक्टर्स 256 कहते हैं। ठीक है, तो हमने दोनों मेथड लिख लिया। अब हम मेन की तरफ तो चलते हैं, और मेन में मेन से भी पहले हम यहाँ पर ऊपर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिक्लेयर कर दें, और मेन में हम अरे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जी, स्टूडेंट बेल वन ऑपन। तो हमने अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए हैं। ओके, यहाँ सॉरी यहां पर हमने सेमी कॉलन लगा दिया, हैश डिवाइन एन के बाद सेमी कॉलन नहीं आता, और हम फॉर लूप लगा के आई लेस देन एन
और यूँ हम स्टूडेंट्स का डाटा गेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास जो हमने अरे क्रिएट किया दैट इज वेल वन ऑफ आई इज इक्वल टू गेट डाटा। तो ये देखें हम गेट डाटा में रिटर्न क्या कर रहे हैं, गेट डाटा में स्टूडेंट रिटर्न कर रहे हैं, और जो हम असाइन कर रहे हैं वो किसको असाइन कर रहे हैं, वो भी हम स्टूडेंट को रिटर्न कर रहे हैं। तो वेल वन ऑफ आई आईएथ लोकेशन पे एक पूरा स्ट्रक्चर रिटर्न होगा, और वो आईएथ लोकेशन मतलब पहले जीरो होगा तो जीरो लोकेशन पे एक पूरा स्ट्रक्चर स्टोर हो जाएगा, फिर वन पे, फिर टू पे एंड सो ऑन। ठीक है, फिलहाल हमने थ्री लिया तो थ्री स्टूडेंट्स का डाटा गेट हो जाएगा। यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि आपको इग्नोर करने की जरूरत है, लेकिन क्योंकि हमने अपने स्ट्रक्चर के अंदर ही एंड पे इग्नोर कर दिया, और यूं हम प्रिंट भी कर सकते हैं। और हम यहाँ पे प्रिंट स्टूडेंट, और हम इसको बेल वन ऑफ आई पास कर दें, क्योंकि हमने जो प्रिंट स्टूडेंट का मेथड बनाया उसको जस्ट हम एक स्टूडेंट का रेफरेंस पास कर रहे हैं। ठीक है, तो बेल वन ऑफ आई पास कर दिया तो वो उसको प्रिंट कर देगा। चलें इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सेकेंड स्टूडेंट नेम, एंड थर्ड स्टूडेंट नेम, और मेरा ये ख्याल है कि हमने गेट डाटा में रिटर्न नहीं किया जी, रिटर्न दैट इज टेंप स्टूडेंट, क्योंकि ये फिल करने के बाद हमें इसको रिटर्न भी करना चाहिए। और अब ठीक है, एक फिल कर लेते हैं। और ये स्टूडेंट का डाटा प्रिंट हो गया, रेज नंबर नहीं आया दोनों में, और रेज नंबर इसने हमसे, अच्छा रेज नंबर मैंने 34 दिया था और वो स्ट्रिंग था। ठीक है, 12 और 34, इट्स ऑल राइट, तो प्रिंट हुआ है, जस्ट मैंने वो नंबर दे दिए थे, और ये सारा डाटा प्रिंट हो गया एक लाइन में टैब के साथ। तो ये थोड़ी सी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अगर आपको स्ट्रक्चर्स में करनी हो, तो अब आप देखें कि मैंने आपको पहले दिन टेबल दिखाया था, और टेबल में स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम और फोर क्विजेस का डाटा था। अब यही चीज़ हम नेक्स्ट स्टेज पे फाइल हैंडलिंग में कर रहे होंगे कि हम यही डाटा यूज़र से लेंगे और फाइल में स्टोर कर देंगे। अब देखें, अगर मैं इस एप्लीकेशन को क्लोज, ये एप्लीकेशन क्लोज हो गई और मेरा डाटा गया, प्रिंट हो गया एक दफ़ा, लेकिन जो मैंने इतना सारा डाटा ऐड किया था ये सारा गया। और अगर इसी तरह मैं 44 स्टूडेंट्स का डाटा ऐड करूं तो एप्लीकेशन क्विट कर जाएगी और वो डाटा तो डिलीट हो जाएगा रैम में से। तो बेस्ट वे ये है कि हमें वो जो स्ट्रक्चर हमने फिल किया है से यहाँ पर मेन में, मेन में हमने ये बेल वन का जो स्ट्रक्चर बनाया है इसको हमने फिल भी किया है, प्रिंट भी किया है, ये सारा डाटा बेल वन के अंदर है। बेल वन ऑफ जीरो में ये डाटा है, बेल वन ऑफ वन में ये डाटा है, बेल वन ऑफ टू में ये डाटा है। इसके इंडेक्स में अगर जीरो पुट करें तो ये मेरा डाटा है,
देन अल्फा का, देन ब्रेगो का। तो ये थ्री इंडेसेस के ऊपर, थ्री इंडेसेस का डाटा है, नेम में खुबैब है, अल्फा है, ब्रावो है, एंड सो ऑन। तो हम 44 स्टूडेंट्स का डाटा ले सकते हैं इसमें, कितना कॉम्प्लेक्स डाटा ले सकते हैं, इवन हम उसमें एड्रेसेस भी ले सकते हैं, ठीक है, और सारा कुछ। हम एक लेक्चर और स्ट्रक्चर्स पे करेंगे जिसमें हम नेस्टेड स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, और फिर हम चलेंगे फाइल्स की तरफ। ओके जी, तो कोशिश करें, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, ये इंटरेस्टिंग है। सॉफ्टवेयर की दुनिया का एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो कि डेटाबेसेस, स्ट्रक्चर्स और टेबल्स, इनके डाटा को आपको फाइल स्ट्रिंग के ढेर सारे फंक्शंस आपने पढ़े हुए हैं, वो सारे फंक्शंस आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्प्लिट का है, जॉइन का है, और वो सॉर्ट करने का है, तो सारे के सारे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जी, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम नेस्टेड स्ट्रक्चर्स, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है, और अल्लाह हाफ़िज़।